दक्षिण मुंबई की सड़कों पर खुलेआम मिलेंगे आरोपी कई मामलों में, में मेरा हाथ है नाम है आसिफ साठे पुलिस विभाग दत्ता नलवाडे साहब को जवाब क्यों देना है क्यों आसिफ ए एनसी घाटकों पर ड्रग्स और चार्जशीट के रिश्तेदारों का समर्थन पहले के दबाव में तारांकन विश यह दो हजार इक्कीस मामलों में एक ही पदार्थ से संबंधित बड़े पैमाने पर मादक द्रव्य तस्करी रैकेट की पुनः जांच एक सी आर माइनस तिरासी बटा दो हजार इक्कीस सत्रह सितम्बर दो हजार इक्कीस को अठारह दशमलव तीन शून्य बजे दिनांक समय और चौदह दशमलव एक पाँच से पंद्रह दशमलव पाँच शून्य के बीच सत्रह सितम्बर दो हज़ार इक्कीस को दो एफ आई आर नंबर माइनस दो सौ चौबीस बटा दो हजार इक्कीस पुलिस थाने शिवाजी नगर थाना डिवीजन केस करीम रहीम शेख और मुबीन खान तीन सात फरवरी दो हजार इक्कीस और नौ फरवरी दो हजार इक्कीस के मामले में इसी तरह की दवाएं जब्त की गई चार बाबू पात्री इतिहास के धोखेबाजों और ड्रग तस्करों का बड़ा रैकेट है पांच मुख्य आरोपी जाकिर हुसैन शेख उर्फ पात्री कम से कम पंद्रह तस्करों को नशीला पदार्थ सप्लाई करने में शामिल था प्रतिनिधि और शाप मुल्ला मामला छह अप्रैल सत्ताईस नूर आलम नूर इस्लाम मलिक के खुलासे पर एनसीबी मुंबई ने शिवाजी नगर गोवंडी मुंबई में सिकंदर हुसैन सैयद के घर पर छापा मारा और कुल तेरह दशमलव छह किलोग्राम कोडीन सिर्फ जबत किया और सिकंदर हुसैन सैयद और राशिद सिकंदर सैयद को गिरफ्तार किया 27 अप्रैल को सात स्टीफन बालकृष्णन एट अनार्ट काम चौवालीस बटा दो हजार बीस कुर्ला निवासी आसिफ बताया जा रहा है वांछित फोटो के साथ दिखा रहे आसिफ का सबूत येलो प्रेस इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और एक पत्रकार आई वारिस अली सैयद की ओर से उन्होंने दक्षिणी संभाग के आयुक्त विज्ञापन आयुक्त से अपील की कि कुछ ड्रग माफिया पुलिस मुखबिरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित इन सभी गतिविधियों को तुरंत रोकें कई गिरफ्तारियों और मामलों के बावजूद दक्षिण मुंबई के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में कारोबार कर रहे अवैध ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है लेकिन जबकि दक्षिण मुंबई क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी अभी तक नहीं रुकी है हमने एनसीबी से अपील की है कि अगर मोबाइल ट्रैकिंग और सीडीआर रिपोर्ट की जांच की जा रही थी तो 18 महीने के भीतर गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की जांच की जाए जबकि इस तरह के तस्करी के धंधे में सबसे महत्वपूर्ण चीज लक्षित नहीं है हमने एनसीबी को भेजने से पहले ऐसी सूची भी शामिल की है जबकि डीसीपी शिवदीप लांदे ए मुंबई के प्रभारी थे कुछ बड़े सरगना हैं जो अभी भी नशीले पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं उन इलाकों से जहां बड़े पैमाने पर तस्करी होती है मेरे द्वारा हमेशा उजागर किए गए ड्रग माफिया और तस्करों के बारे में अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर मैंने एनसीबी के मंडल निदेशक समीर वानखेड़े के साथ एक सूची भी साझा की जिसमें सत्तर प्रतिशत से अधिक लोग शामिल हैं जिन्हें मैंने प्राधिकरण द्वारा उजागर किया है इन सभी अभिलेखों को सभी अधिकारियों के मेलबॉक्स में सत्यापित किया जा सकता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस संशोधन दो बंगालीपुरा मजीद बंदर महालक्ष्मी के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार क्रॉफर्ड मार्केट जैसे क्षेत्रों से फार्मेसी ड्रग्स की जब्ती के लिए 2018 से आवेदन की तिथि तक मामले की पुनः जांच के लिए अनुरोध और अपील मुंबई सेंट्रल पिला हाउस कमाठीपुरा शुक्लाजी सेंट शुक्लाजी स्ट्रीट जयराज गली कालबादेवी डूमरी जेल रोड धोबी गली डूमरी वाडी बंदर रोड माहिम गोवंडी खार कुरला मरीन लाइन कालबा देवी जहाँ बस ट्रैवल एजेंसी कार्यालय स्थित हैं मैं सर्वेक्षकों से आग्रह करता हूं कि हम मुंबई पुलिस आयुक्त और एएनसी विभाग और डीआईजी महाराष्ट्र के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले की पुनः जांच के लिए आवेदन को मंजूरी देने की अपील कर रहे हैं सी रिकॉर्ड को स्वीकार करना अनिवार्य होगा बस एक छोटा सा व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लिंक करे साझा छवि डेटा जांच से कई लीड प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और किंगपिन संभवतः जहां कंपनियों और प्रयोगशालाओं में पकड़ा जाता है जो अन्य शीर्षक नाम एजेंसी कंपनी के साथ नकाबपोश होते हैं मैं इस बारे में एक विवरण साझा करने की संभावना रखता हूँ कि ड्रग्स पर युद्ध को कैसे साझा किया गया था उपलब्ध जानकारी के आधार की जांच की जा सकती है और मैं 2018 में नशा विरोधी अभियान शुरू होने के बाद से दवाओं की आपूर्ति का पीछा कर रहा हूं, अगर कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाएगी एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा शुरू किया गया मिशन एक दूसरे से अत्यधिक जुड़ा हुआ होगा और अन्य कौन से नंबर एक दूसरे के लिए उपयोगी होंगे कई ड्रग माफिया और तस्करी रैकेट संचालक हैं लेकिन रिकॉर्ड अभी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनियां उनसे खरीदती हैं या तस्करी करती हैं और उन्हें आपूर्ति करती हैं जो अभी भी अदृश्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पकड़े गए ड्रग माफिया व्यापारी तस्कर प्रशिक्षित और ऐसी दवाओं के आदि हैं व्यापार और वे जानते हैं कि उन्हें छह महीने में जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और अगर निर्माण कंपनियों द्वारा लक्षित और जांच की जाती है तो यह ड्रग फ्री मुंबई के मिशन में एक बड़ी सफलता हो सकती है आसिफ साठे उर्फ के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति बतराहा डिवीजन चाहता था और अभी भी बाजार में सभी दवाओं का खुला सरगना है और आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है